हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले कल के जो दो अपडेट में देना चाहता हूँ। सबसे पहले, अगर आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फ्रीलांसिंग जॉब ढूंढ रहे हैं, आपने एक घंटे दो घंटे काम करना जॉब के साथ, आप मेल फीमेल है, हाउसवाइफ है या आप जॉब करते हो, तो गाइस आप डेफिनेटली यहाँ पे जो कोर्स हीरो को जॉब मिल रहा था कल मॉर्निंग में, वो आप डेफिनेटली अप्लाई करें। दोस्तों सेकंड ओपनिंग जो गाइस है वो बेसिकली आपको आने वाला शाम को जो ओपनिंग। दोस्तों अब यहाँ पे अगर आप गाइस सैलरी पैकेज के साथ कंफर्टेबल है, ऑल्दो आपको इंटरनेट का अलाउंस में मिल रहा है, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट गाइस कि वहाँ पे चार कॉन्टैक्ट नंबर मिल रहा है, तो आप चाहे तो उनको डायरेक्टली कॉल करके भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं। बट दोस्तों आपको प्रॉपर तरीके से कॉल करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है। सो दोस्तों आप इन दोनों जॉब को जरूर अप्लाई करना, काफी अच्छी ओपनिंग। दोस्तों अब गाइस आज की ओपनिंग के बारे में बात है दोस्तों, तो ये भी काफी अच्छी ओपनिंग होना। दोस्तों यहाँ पे द बेस्ट पार्ट, कंपनी काफी टॉप नॉच है। ये गाइस परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब होने वाला है। इंडिया में आप किसी भी लोकेशन से ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। बट गाइस जिस सैलरी पैकेज यहाँ पे मिलने वाली है आपको, जिस कंपनी में आप काम करने वाले, आई एम प्रीटी श्योर काफी अच्छी कंपनी है और काफी अच्छा यहाँ का वर्क एनवायरमेंट है। तो दोस्तों सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, कैसे आपको अप्लाई करना है यहाँ पे। द बेस्ट पार्ट गाइस यहाँ पे कैसे आपको अप्लाई करना है वो आप समझना, थोड़ी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा चीजें डिमांड कर गई, तो वो अंडरस्टैंड करके आप यहाँ पे अप्लाई जरूर करना गाइस। और उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस वीडियो फर्स्ट टाइम आए तो आप जानते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जिसके बगल वाला बेल आइकन दबा सकते हैं, हमारे किसी भी ऐसे इंपॉर्टेंट जॉब के अपडेट को मिस नहीं कर, साथ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसे में बहुत मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए बहुत सारे स्पेशल ओपनिंग लाते देंगे दोस्तों। सो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये ओपनिंग बेसिकली होने वाला है डिग्रीट की तरफ से गाइस। अब दोस्तों आई एम श्योर आप में से मोस्टली लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा। अब गाइस डिग्रीट क्या है, एक बहुत बड़ी अप स्किलिंग का एक प्लेटफॉर्म है, जहां पे मतलब आपको ऑलमोस्ट सारे तरीके के कोर्सेज मिलते हैं। मतलब ये बेसिकली क्या है कि जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है या फिर फ्रीलांसर है, उनको ये कनेक्ट करते हैं आपसे ऑनलाइन, दैट्स ऑल। यही करते हैं दोस्तों, काफी अच्छी कंपनी और इंडिया से बाहर कंपनी है, आई गेस ये कैलिफोर्निया कंपनी है, लेकिन दोस्तों ये कंपनी काफी अच्छी है और काफी टॉप नॉच कंपनी दोस्तों, और ये एक तरह से एमएनसी कंपनी है, यहाँ पे इनके ब्रांचेस इंडिया से बाहर बहुत सारे जगह पे। अब दोस्तों मैं आपके यहाँ पे जॉब प्रोफाइल की बात करूँ, किस रोल पे आप यहाँ पे काम करोगे गाइस, तो ये बेसिकली आपको होने वाला है कस्टमर सक्सेस एसोसिएट गाइस, सिंपली कस्टमर सपोर्ट का जॉब होने वाला है। बट थोड़ी सी चीजें आपको ज्यादा यहाँ पर चाहिए, मतलब थोड़ी सी चीजें, थोड़े से काम ज्यादा करने पड़ सकते हैं, यहाँ पे काम ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा नॉलेज ज्यादा चाहिए आपको बेसिकली यहाँ पे, जितना यहाँ पे मेंशन उसके अकॉर्डिंग बता दूंगा आपको। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ गाइस, तो आई दिस अब गाइस यहाँ पे एजुकेशन तो कहीं मेंशन नहीं करा है इन्होंने, बट आई थिंक ग्रेजुएशन इज मैंडेटरी है, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो चीज़ें मेंशन करिए, अब तो यहाँ पे क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास कस्टमर सपोर्ट, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली ये प्लस पॉइंट होगा। अगर नहीं आपके पास दोस्तों, तो भी आपके पास एक कस्टमर सपोर्ट का एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि कैसे उनसे बात करना, कैसे डील करना है, कोई भी चीज़, कोई भी इसमें अगर एंग्री हो रहा है तो क्या करना, तो इन चीज़ों के पास नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप प्रॉपर तरीके से आरएनडी कर सकते हैं, ये बेसिक चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। अब इसके अलावा आपको देख सकते हैं बेसिक बिजनेस का आपको नॉलेज होना चाहिए, इसके बेसिक आपको एचआर का नॉलेज होना चाहिए, विच इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, हर किसी को पता होता पहले से। और दोस्तों इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे सिस्टम की बात करूँ तो अगेन यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि सिस्टम रिक्वायर्ड है, बट आई गेस कि यहाँ पे रिक्वायर्ड हो सकता है क्योंकि ये परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब है, तो आप ऑब्वियसली फोन से काम तो नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह से काम है आपको लैपटॉप यहाँ पे डेस्कटॉप रिक्वायर्ड होगा। तो ये आप यहाँ पे चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, आगे जैसे भी इंटरव्यू में होगा उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। सैलरी पर अगर आपको काफी अच्छी मिल रही तो आप चाहें तो आराम से एक नया लैपटॉप भी अफोर्ड कर लेंगे अगर सैलरी अच्छी मिल जाएगी तो। अब दोस्तों यहाँ पे जॉब रोल की बात करें तो एज सिंपली कस्टमर सपोर्ट का आपका रोल है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे कस्टमर का सपोर्ट करना है। बट गाइस यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाकर चलना उनसे। अब क्या है कि जितने भी यहाँ पे स्किल प्रोवाइडर कंपनीज या फिर जो भी यूनिवर्सिटीज है उनसे आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ सकता है, उसके अलावा जो भी यहाँ पे बच्चे उनसे आपको बात करना पड़ सकता है, तो आपको उनसे एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना है ताकि वो आगे फ्यूचर में आपको बिजनेस देते रहे और उनके थ्रू एक वर्ड ऑफ माउथ मिलता है, तो ये आपका काम होना होगा। इस डिटेल के लिए आप चाहे तो उस लिंक को पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ कि कैसे आपको आपको अप्लाई करना, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों। अब गाइस आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको आपका नाम डालना है, आपका लास्ट नेम डालनी है, मेरा डाली दोस्तों, आपका फोन नंबर डालना, आपका गाइस यहां पे रिज्यूम है और कवर लेटर है, तो अगर आपके पास कवर लेटर है तो आप उसको अटैच कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप बना सकते हैं, अगर नहीं बनाना चाहते तो आप चाहे तो रिज्यूम दोनों जगह पे रिज्यूम ही अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि रिज्यूम और कवर लेटर में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता, दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, कवर लेटर में चीज़ें और प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब होती है, इतना ही है बस। तो आप चाहें तो दोनों जगह पे आप रिज्यूम को अटैच कर सकते हैं। नीचे दोस्तों लिखा है किस लोकेशन से आप बिलोंग करते हैं, आप इंडिया डालना, आपको लिंक्डइन का प्रोफाइल, आपको अपने प्रोफाइल को कॉपी करके पेस्ट यहाँ पे करना है, मतलब उसका लिंक जो है वो शेयर करना है, लिंक को आपको अपने प्रोफाइल का जो लिंक है दोस्तों वो यहाँ पे शेयर करना है। इसके बाद आपको क्या लिखा है, आर यू ऑथोराइज वर्क, यहाँ पे आपको यस करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आपको नो करना है, आप यहाँ पे इंडिया के रेसिडेंशियल है, आप इंडिया के नागरिक है तो आप यहाँ पे आपको नो करना है। अब इसके बाद पूछ रहे हैं किस पार्ट से आप बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे आप गाइस मेंशन करना है आपको साउथ एशिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे साउथ एशिया का ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे मेल फीमेल वाला ऑप्शन है, यहाँ पे मेल करना है। अब दोस्तों ये पूछ रहे हैं कि क्या आपने पहले कहीं काम करा, एक्सपीरियंस है नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप एक्सपीरियंस हो तो यस कर सकते हैं,
अगर नहीं है तो आप यहाँ पे आई एम नॉट अ वेटरन पे क्लिक कर सकते दोस्तों। अब यहाँ पे आपको जेंडर दोबारा से यहाँ पे मेंशन करना है, यहाँ पे क्या पूछ रहे आर यू, यहाँ पे भी दोस्तों आपको नो करना है, नीचे आपने आना है। अब यहाँ पे अगेन पूछ रहे कि क्या आपने काम कर, अगर काम आपने करा है पहले तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं सेकेंड वाले ऑप्शन पे, अगर आपने नहीं करा है तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपने नीचे आना है और यहाँ पे आप डिजेबिलिटी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, आप है नहीं करना दोस्तों, और इसके बाद आपको सबमिट करना है। इस तरह से आपको अप्लाई करना है, ये वाला फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कवर लेटर वाली चीज आप चाहे तो उसको बना सकते हैं, इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। अब चाहे तो आप डाउनलोड भी कहीं से कर सकते हैं, उसमें एडिट करके आप डाल सकते हैं, या फिर अगर आप नहीं चाहते तो अपना रिज्यूम अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से आपको अप्लाई करना है। अब भाई जहाँ सैलरी पैकेज में बात करूँ तो मैंने जहाँ तक रिसर्च करके जब आराम से मुझे लग रहा है 3 से 4 लाख रुपए तक की पैकेज यहाँ पे मिल सकती है, ज़्यादा मिल सकती है, यहाँ पे सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छी मिलती है। इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन इंटरव्यू गाइस, बट इसके अलावा यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा काफ़ी अच्छा, यहाँ पे इंग्लिश रिक्वायर्ड होगा, मैं आपको मेंशन करना पहले भूल गया। यहाँ पे जो गाइस आपका कॉम स्किल वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि MNC कंपनी इंडिया से बाहर कंपनी, तो इंग्लिश तो आपको देखेंगे, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों आपके यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इस तो यहाँ पे ये जॉब है दोस्तों, आई गेस मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया दोस्तों। अब कोई भी डाउट बचता है, कोई भी क्वेरी बचता है, आप 100% नीचे कमेंट बॉक्स पूछ सकते हो। मगर इस वीडियो को एंड करता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस एंड गुड लक फॉर द इंटरव्यू।